नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर एडवांस सेक्शन। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कोई वीडियो ट्यूटोरियल का वीडियो नहीं है, बेसिकली ये लाइव जूम क्लासेस की वीडियो है। जी हाँ, हम लाइव जो है एक दो लोगों के साथ जो है जूम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारे साथ देखिए कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं। रात के अभी 10 बज रहे हैं, क्योंकि लेट नाइट भी बैच चलती है हमारी, और लाइव इंटरेक्टिव होता है, और इसमें हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में आउटलुक मेल सेंडिंग के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, हम लोग एक डिस्काउंटेड बैच शुरू किए हैं, जो कि महीने में एक स्टार्ट होता है एक्सेल और एक वीवीए के लिए। तो आपको जो है 1 अगस्त से हमारे वीवीए की एक डिस्काउंटेड बैच शुरू हो रही है। मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट होगी, डेली 1 घंटा चलेगा, और हमारे जो वीवीए के फीस 10,000 है, जो कि 2007 से कंटिन्यू चल रहा था, हमने हिस्ट्री चेंज किया है और फीस को कम किया है। और फीस को कम 1-2-10-20% नहीं, पूरी की पूरी 80% फीस हमने कम कर दी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीट बुक करें, क्योंकि सिर्फ 10 लोगों गुड की इवनिंग सीट है। सर, क्या हाल है? देखिए आ गए तो इनसे हम बात करते हैं। लाइव क्लासेस है ना सर? अजय ब्रह्मा जी गुड इवनिंग, और दिनेश जी गुड इवनिंग। तो बेसिकली हम लास्ट क्लासेस में जो है इमेज ऑटोमेशन किए थे, पिवट टेबल भी हम कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आउटलुक के ऊपर। ठीक है, हम किस तरह ठीक है से सर। आउटलुक का कंसेप्ट तो नहीं पाया ना? नहीं तो आज हम आउटलुक के बारे में बताएंगे कि आउटलुक के थ्रू हम मेल कैसे। ठीक है, और ठीक साथ है में हम आपको एक आर्टिकल का लिंक भी देंगे, जहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेल सेंड करने। तो ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ओके हमें एक्सेल से आउटलुक पे मेल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे हजारों लोगों को मेल करना है, ठीक है, और हर किसी को अलग अलग कैटेगरी का मेल करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं वीवी एक्सेल और वीवीए, जो कि एक सिंपल से क्लिक पे हमारा मेल भेज देता है, एक सिंपल क्लिक पे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में आउटलुक इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? आउटलुक इंस्टॉल होना चाहिए। वो आउटलुक, वो भी आउटलुक एप्लीकेशन पे, आउटलुक एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। अब चलिए एक्सेल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम मेल करेंगे मेल बॉडी के ऊपर किसी चीज को पेस्ट कर, जैसे कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें एक मैटर प्रिंट करना है, भेजना है। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, एक काम करते हैं, लिस्ट नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा है, इसी लिस्ट बना लेते। जैसे कि यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे सिटी हो गया, एड्रेस हो गया, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ एड्रेस हो गया, और यहाँ पे मोबाइल नंबर टू लिख दीजिए, और यहाँ पे ड्यू अमाउंट, और यहाँ पे ड्यू।
और यहाँ पे ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, कुछ नाम यहाँ पे भेज देते हैं, ये छोटा सा डेटा बना रहा हूँ। अब छोटा डेटा पे क्या होता है कि आपको इफेक्ट जल्दी पता कर चलता है, और बड़े डेटा पे इफेक्ट पता नहीं चलता है, ठीक है। और ये नंबर जो है लिख रहा हूं मेरा है, कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते कहते हैं पूजा जी का नंबर है। अमाउंट मैं रखता हूँ यहाँ पे, कई बार कॉल आया ऐसे पूजा जी बोल रहे हैं, गधा पूजा जी नहीं, एग्जाम्पल में बताया था, एग्जाम्पल में किसी का नंबर रख दूंगा तो उसको फोन करके परेशान करेगा, करेक्ट। अब कॉमन नेम जो है मैं पूजा ही रखता हूँ, ठीक है ना। अब क्यों रखता हूँ उसका मैं भी, मुझे भी नहीं पता, बस मान लीजिए मैं रखता हूँ। ऐसा नहीं कोई पूजा थी मैं लाइफ में उसके लिए लिख रहा हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं। लाइफ में कभी टाइम ही नहीं मिला किसी पूजा को रखने का, सही वर्क के साथ एजुकेशन किया सर, टेंथ करने के बाद जॉब पकड़ लिया, उसके बाद ट्वेल्थ ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, मास्टर, एम फिल, डबल एम फिल एंड नाउ एल एल बी। तो कभी सोचने का टाइम ही नहीं हुआ, अब सोचने कुछ कर भी नहीं चलता, तो दाढ़ी भी पाक गई सब। चलिए अब ये जो मैटर हुआ, लेकिन ऐसे मैटर नहीं भेजेंगे। अब यहां पे मुझे लिखना है डियर, और इसका नाम जो भी नाम, ठीक है। और फिर यहां हमें लिखना है एड्रेस, ठीक है, फिर मोबाइल। अब कैसे करें, तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक सेल नंबर, यहाँ वन, यहाँ जो वन दिख रहा है एक यहाँ पे वन कर, एक सेल, ठीक है, वन कर दिया। और मैं यहाँ पे ऑफसेट फॉर्मूला से उठाता हूँ कि ऑफसेट रेफरेंस में गए, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, यहाँ पे आए, इस वन को सिलेक्ट करें, तो आ गया डियर नेम। सॉरी यहाँ पे जीरो हो, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला यहां से उठाएंगे हम, यहाँ पेस्ट करेंगे, तो एक मैटर बना रहे हैं ना, ना समझे, ये मेल पे ऐसे थोड़ी लिख देंगे, दिल्ली, और यहाँ सेम फॉर्मूला यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, वन वन टू हो गया मोबाइल नंबर, ठीक है। लिखता हूँ आई रिक्वेस्ट, जो भी मैटर है, रिक्वेस्ट टू टू पे योर ड्यू अमाउंट अब यहां पे अमाउंट आना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं आएगा, आएगा फॉर्मूले से क्या एन परसेंट, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं ऑफसेट वाला, और फॉर्मूला में यहाँ पे थ्री कर, ठीक है ना। और फिर एन परसेंट यहाँ पे योर ड्यू ड्यू डेट ऑन, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैटर दे दिया, और इक्वल हटा देता हूँ, इक्वल देना नहीं है, और यहाँ पे ठीक है। अब डेट जो आया हमने यहाँ पे इस तरह से आया,
हालांकि ये सब चीजें वो बीबीए से भी कर सकते हैं, लेकिन हम बीबीए से ना करते हैं, इसमें फेल देते हैं। ए आई की टेक्स्ट एक्सेल लगा, ठीक है। हाँ टेक्स्ट, और यहां पर बोल देते हैं कॉमा डी वी डैश MMM डैश और कॉल। ठीक है, और यहाँ पे हक में छोटा सा बनाया है, आप बड़ा बना सकते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड स्वीट मार्क। अब ये हुआ, अब मुझे इसको मेल ऑडी पे पेस्ट करके भेजना। अब यहाँ पे दो करूंगा तो दूसरा आ जाएगा, तीन करूंगा तीसरा आ जाएगा, चार करूंगा चौथा आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस मेल ऑडी के ऊपर पेस्ट करके भेजना है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए इसके लिए कोडिंग करते हैं। अब बारी है कोडिंग की, तो हमें मेन बॉडी पे पेस्ट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंड अंडरस्कोर मेल ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां लिखेंगे हम, सबसे पहले लूप लगाएंगे कि फोर आई चले टू टू। अब हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ सी वर्कशीट डिम एम एज ए वर्ड सी और सेट एम इक्वल टू सीट्स, इसमें सीट वन या मेल जो भी लिखा है, और यहाँ पे टू हम करते हैं एम डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सलेस अप डॉट रो। ठीक है, नेक्स्ट आए। अब यहां पे लिखते हैं हम अब यहाँ पे हम सबसे पहले देते हैं सेल्स आई माइनस वन, तो टू से स्टार्ट किए ना हमने, वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई माइनस वन। सबसे पहले यहाँ पे हमें नंबर, ठीक है सर। अब आई माइनस वन क्यों किया सर? सर ये टू से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे अगर टू डालेगा तो फिर पहला पूजा नहीं लगाएगा, दो से स्टार्ट कर देगा। यहाँ हाँ ऑफसेट लगाया ना, जो कि हमेशा एक कम देता है। ओके हाँ समझे कि नहीं? ऑफसेट है इसलिए माइनस वन। समझे? अब ओके
अब यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे हम एक और करते हैं, डी आर एज ए रेंज और सेट आर इक्वल टू रेंज ए टू से जे ट्वेंटी। ठीक है, जितना एरिया मेल करना उतना ले लीजिए। और यहां से हम देखते हैं, अब यहां पर हम करेंगे अप्लीकेशन डॉट एनेबल एम लगते करते नहीं, एनवेलप होगा। हाँ, ई एन वी सर, सर आई थिंक इनेबल एनवलप है वो। एप्लीकेशन नहीं होगा, ये होगा एक्टिव वर्कबुक, और वर्कबुक का पार्ट है, हम एप्लीकेशन का पार्ट यूज करेंगे। वर्कबुक्स डॉट एनेबल एनवलप एनेबल हो गया, हाँ एनवलप है ना, एनवलप डिजिटल। ठीक है, इक्वल टू ट्रू। ये क्या करेगा, आउटलुक को एक्सेल में खोल देगा। ठीक है, अब यहां पे कमांड देते हैं कि डेट आर डॉट पैरेंट पैरेंट डॉट मेल एनवेलप ई एन वी ई एल ओ पी, इसके लिए मिस्टेक हुआ तो देख लीजिए, डॉट आइटम। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना है टू कि आपका क्या है, किसको भेजना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम एम डॉट सेल्स, सीट वन में है ना, आई कॉमा, और मेल कितने में है, कौन से कॉलम में है, एक बार देख लीजिए, 3 4 5 6 6 डॉट वेल। ठीक है, अब इसी में आपको सीसी देना है तो दीजिए, अदरवाइज नहीं देना है तो नहीं दीजिए, मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देता हूँ, अगर डालना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ बीसीसी देना है दीजिए, अदरवाइज नहीं देना है, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट हो है ना वो अपने हिसाब से बने। ठीक है, अब और सब्जेक्ट मैं चाहता हूं यहां पे अपने आप बने, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर का एक फॉर्मूला होता है, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि पे के बाद से अलग करो, योर ड्यू अमाउंट आ गया ना, और यही सब्जेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे हम रेंज वी टू डॉट जेड, उसके बाद अटैचमेंट करना है तो डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड होगा, मैं यहाँ अटैचमेंट नहीं कर रहा हूँ, डॉट यहाँ सेंड कर दूंगा, सेंड जरूरी है, सेंड नहीं कीजिएगा, और सेंड सबसे लास्ट में कीजिएगा, सबसे लास्ट में, एंड अटैचमेंट अटैचमेंट कैसे होगा सर? अटैचमेंट के लिए आपको यहाँ लिखना होगा डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड और स्पेस देखिए, फिर अपना पाथ देना। अच्छा, पाथ जो देंगे तो वहां से अटैचमेंट उठा लेगा। जी अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट, अच्छा अटैचमेंट नहीं होगा, अटैचमेंट दिखाता हूँ, लिख दूं मैं, ए डबल टी ए सी एच एन ई एन टी एस अटैचमेंट्स। ठीक है, डॉट है,
और यहां पे अपना पार यहां से ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके इसको अपडेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अटैचमेंट भी भेजना है अभी। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। और 1 मिनट, मैं 2 3 एक बेस पे देखता हूँ। ठीक है सर, ये कैसा जाता है, और पता चला कि सही नहीं जा रहा, दिक्कत हो जाएगा ना। और यहाँ पर रन गया, चला गया। और मैं आउटपुट बॉक्स में जाऊंगा और देखूंगा यहाँ इन इसमें सेंड है, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर चला गया सिनेरियो। यहाँ पे देखिए एक ऊपर भी आ गया है, आ गया ना, ये नहीं आना चाहिए था ना सर। गुड तो रेंज हमने यहाँ, हमें नीचे से लेनी पड़ेगी। नहीं यहाँ तो मैं लिया हुआ है और ये 8 में भेजा है मैंने, A2 इसका भी एक काम करता हूँ ओके मैं, शीट्स और शीट्स में शीट 2 कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी गया। तो इसके लिए एक और उपाय है, r.select। और दोस्तों अब नहीं गया क्या सर, गया है? नहीं अब नहीं है। और डियर पूजा में स्पेस है ना, स्पेस नहीं होनी चाहिए ना, तो स्पेस यहाँ, तो डियर को कर दीजिए पूजा के बगल में अलाइनमेंट से। ठीक है, और इसको भी बोला, इसको अब सही है। अब यहां पे इस 2 को हटाता हूं और यहां पे इसको हटा के और पूरा मैक्रो एक साथ रन, यहां से भी रन कर सकते हैं और यहां मैक्रो से भी रन कर सकते हैं, वो तो पता ही आपको, बटन भी लगा सकते हैं। एक छोटी सी गलती हो गई सर, ये सीक्वेंस नंबर बन रहा है ना एक सर, तो बन रहा था सीक्वेंस बन रहा है कि हमने यहाँ पे सेल आई किया है और आपने ध्यान नहीं दिया। ये तो सेल 1 फिक्स है ना हमारा, इसको बनाना है ना, समझे कि नहीं। क्योंकि वो तो A1 ही रहेगा ना हमेशा। जी हाँ, अभी पर सर आई थिंक मुझे मुझे लग रहा है इसमें सब्जेक्ट नहीं जा रहा आपके इसमें। नहीं, सिलेक्शन होने के बाद सब्जेक्ट नहीं जाएगा, या सब्जेक्ट को हाइड कर दीजिए फिर नहीं जाएगा। नहीं अभी आपके में सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट आ रहा है इसमें? सब्जेक्ट नहीं है, सारे सारे फाइल्स नहीं विदाउट आ रहा, सब्जेक्ट जा रही हैं। सर नो नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ रहा है ना। नो सब्जेक्ट क्यों आ रहा है? लेंस B2 डॉट वैल्यू, ओ ओ B2 हो गया ना, B1 होना चाहिए। ठीक है, आप जा रहे हैं अब जा रहा जा रहे हैं। ना।
तो ये मिक्सअप हुआ। अब वीवी, अब जैसे ये जो चीज हमने यहाँ लिखे है ना, जो फॉर्मूला यूज किए हैं, वो सेम के हम वीवी में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, लेकिन प्रॉब्लम हुआ है, कभी कभी ऐसा यूज हम क्यों करते हैं, क्या हम इस तरह के सम्मिलित काम क्यों करते हैं कि जहां वीवी की जरूरत है वहां वीवी इस्तेमाल करते हैं, जहां वीवी एक्सेल से होने वाला वहां एक्सेल पे करते हैं। रीजन क्या होता है, कई बार आपको वीवी यूज नहीं करना होता है, तो उस केस में आपका मेल का प्रिपरेशन तो रहेगा ना, बस यहाँ उठाए कॉपी तो पेस्ट करना है क्या? बिल्कुल मान लीजिए कि कई बार आपको सबको भेज, आपको सबको नहीं भेजना है, आपको मात्र मात्र रवि को भेजना है, राइट? तो फिर कोडिंग में जाके आप चेंज करेंगे, रवि को ही भेजो, सिर्फ सिर्फ रवि को भेजिएगा। और एक केस दिन में एक आध बार होता है, तो हर बार कोड को चेंज करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, बार बार कोड को छेड़छाड़ करने में कोड को डिलीट होने के चांस हो जाते हैं क्या? इसलिए हम कोड को छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक है? ठीक है। अभी मैं आपको एक आर्टिकल दे रहा हूं, ठीक है? ये जो आर्टिकल है आउटलुक पे मेल भेजने का ही आर्टिकल, इसमें मेल भेजने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसके एग्जाम्पल्स पे एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है? कल दोपहर में 12 बजे हम कनेक्ट होंगे,